सो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या राज ने मेरी कोई मदद की? सो मैं ईमानदारी से बताऊं, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं, राज ने मेरी कोई मदद नहीं की, ना तो फाइनेंशियली ना कैसे भी। जब मैं अंदर गई थी तो मुझे घर वालों से फ़ोन करने नहीं मिला था, क्योंकि मेरे फ़ोन वगैरह सब कुछ छीन लिए गए थे, मेरे सारे अकाउंट फ्रीज थे। फाइनेंशियली बाहर वालों को बहुत प्रॉब्लम हुई, बट स्टिल उनसे काफी पैसे खर्च हुए। हाँ, काफी पैसे। सो उनसे जितना हो सकता था, मेरे दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने, दे हैव डन देयर बेस्ट। वो जितना बेस्ट लॉयर हायर कर सकते थे उन्होंने वो किया, ठीक है। जहाँ जहाँ जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हो सकती थी उन्होंने वो की और मुझे बाहर निकाला। सो राज ने मेरी इस मैटर में कोई मदद नहीं की। अभी ये क्वेश्चन ये है कि मैं राज की मदद क्यों कर रही हूँ, उससे भी पूछा गया है, व्हेन ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग फॉर मी। द रीज़न इज कि मैं एक ऐसी चीज़ की सज़ा काट के आई हूँ जिसमें मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ। वो क्राइम मैंने कभी नहीं किया, मैं वैसे क्राइम की सज़ा काट कर आई हूँ। तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि किसी और के साथ ऐसा कभी भी कुछ भी गलत हो, क्योंकि मुझे मालूम है कितनी तकलीफ होती है जेल के अंदर रहना, उन लोगों के साथ रहना जो एक्चुअली प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं। कोई मनी एक्सटॉर्शन करता है, कोई किडनैपिंग करता है, कोई मर्डर करता है, कोई कुछ करता है, कोई ड्रग्स में डीलिंग करता है। उनके रहन सहन का तरीका, उनके बातचीत करने का तरीका, उनका सब कुछ अलग है। और इन सब के अलावा अगर मैं उन्हें कंसिडर ना भी करूँ तो भी कैदी की ज़िंदगी किसी तकलीफ से ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा तकलीफ की कोई चीज़ नहीं है। कैद में रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी तकलीफ है। तो मैं कभी नहीं चाहूंगी किसी के साथ गलत हो, किसी के भी साथ। इट्स नॉट अबाउट राज और एनीबडी। मुझे कभी भी पता चलेगा कि कोई आदमी इनोसेंट है, उसे फंसाया जा रहा है, कोई भी दुनिया में, मैं उसके लिए स्टैंड लूंगी, और मैं हमेशा लूंगी। मैं हमेशा से लेते आई हूँ, मैं आज भी लूंगी, कल भी लूंगी, हमेशा लूंगी।